एज़ वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं सो so, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ डॉक्यूमेंट्स बी तो रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट वैसे मैं इसमें एक वीडियो में बना चुकी हूँ डिटेल में कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट तो रिक्वायर्ड है बट डी ने रिसेंटली एक चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स की कैंडिडेट्स के लिए रिलीज़ की है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसकी चेकलिस्ट दी है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि डी ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं आपसे चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर द कैंडिडेट्स इट इज़ रिलीज बाय द डी ओ ई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरीफिकेशन इन टी जी टी इन डी आर सै तो टी जी टीज के जो कैंडिडेट है टी जी टी पोस्ट के लिए तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसकी चेकलिस्ट यहाँ पर दी हुई है जो डी ओ ए ने रिलीज़ की है सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल फॉर वेरीफिकेशन की जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सारे उनकी ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो होने चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में वो होने चाहिए दैट इज अकेडमिक जो कि आपकी अकेडमिक क्वालिफिकेशन है उनकी औरिजिनल हो कास्ट पी एच एज वेल एज एप्लीकेबल टू पोस्ट कंसर्न ठीक है तो आपको एक एक सेट इनका फ़ोटो कॉपीज का लेके जाना है इन सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल डी एस एस बी का एडमिट कार्ड ड्यूली साइन बाय द इन्विजीलेटर जो हमने ई e डोजियर के टाइम में जो हम एग्जाम देने गए थे तो हमारा जो एडमिट कार्ड था उस पर इन्विजीलेटर का साइन था तो वो वाला एडमिट कार्ड हमें चाहिए ओके तीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए एक्सेप्टेंस फॉर्म चाहिए ड्यूली फिल्ड वें डी ओ की से मिलेगा अटेस्टेशन थ्री सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म मतलब कि तीन कॉपी चाहिए हमें अटेस्टेशन फॉर्म की जो कि सर्टिफाइड जो अटेस्टेशन फॉर्म है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अटेस्टेशन फॉर्म में इट शुड बी अटेस्टेड बाय द गेजटेड ऑफिसर फोटो साइज मस्ट बी एज पर द गिवन जो अटेस्टेशन फॉर्म में जो फोटो के लिए जो बॉक्स है उसी साइज की फ़ोटो आपको पेस्ट करनी है वहाँ पर ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर जो आपका डी ओ की साइड पर पब्लिक सर्कुलर में रिलीज होगा ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट वो लेकर जाना है आपने एन सी टी ई सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड ब्रैकेट में क्लियरली लिखा हुआ है डाट किस ओ टी पी आर एम एस वाला ठीक है एज एप्लीकेबल मतलब कि जो गवर्नमेंट डॉट इन ओ टी पी आर एम एस ऑनलाइन साइट है एन सी टी की वहाँ से आपका एक एन सी टी सर्टिफिकेट बनेगा वो वाला चाहिए देखो जो ई कुछ कैंडिडेट्स ने ई डोजियर के टाइम पे अपना कॉलेज का एन सी टी सर्टिफिकेट बना चाहिए जो ऑनलाइन भी निकल जाता है लेकिन यहाँ पे आपको इंडिविजुअली बना बनवाना पड़ेगा ओ टी पी आर एम एस से जो कि पाँच से सात दिन में बन जाता है तो अगर आप अभी अप्लाई कर दोगे तो आपका हफ्ते भर में वो बनकर आ जाएगा लेकिन वहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन दो सही देना करेक्ट देना क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं हो सकती हैं वो इन्फॉर्मेशन और अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका सर्टिफिकेट का जो प्रोसीजर है जो प्रोसेसिंग है वो रुक भी सकते हैं उसमें पंद्रह बीस दिन भी लग जाएंगे लेकिन हार्डली सेवन डेज़ या एट डेज उसमें लग जाएंगे आपके बनने में अगर आपकी सारी इन्फॉमेसन करेक्ट है तो भी लग जाते हैं इतने टाइम ओ का सर्टिफिकेट चाहिए एन सर्टिफिकेट चाहिए बिफोर कट ऑफ डेट फॉर ओ कैंडिडेट लेटेस्ट वैलिड एन सी एल सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल और एक फोटो कापी चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ओ बी सी सर्टिफिकेट ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि इशू हो रखा हो बिफोर कट ऑफ डेट फॉर ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट लेटेस्ट वैलिड ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट भी चाहिए ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लाना है जैसे कि आधार कार्ड इन ओरिजिनल वन लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ लानी है अपनी ठीक है अगर देखो मैं एन सर्टिफिकेट की बात कर लेती हूँ कैसा दिखेगा जब दिखेगा आपका एन सर्टिफिकेट जो आप ओ टी पी आर एम साइट से बनवाओगे सो so, कुछ इस तरह का होगा आपका एन सर्टिफिकेट नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ठीक है सर्टिफिकेट आई हेयर बाई सर्टिफाइड एट द इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा होगा वॉज ड्यूली रिकोगनाइज बाई द नोर्थन रीजनल कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन फॉर कंडक्टिंग बैचलर्स इन एजुकेशन डिग्री ऑर्डर नंबर होगा डेट होगा और किस सेशन में आपने की है वो लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है तो जिस सेशन में किया उसमें उस टाइम उस पे ये एन सी टी सर्टिफिकफाइड था ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन है डेट यहाँ पे मेंशन होगी वेरिफिकेशन कैन बी डर्न बाय यूजिंग दिस साइट okay, ओके यहाँ पे आपके रविंदर सिंह जी के साइन होंगे जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं नॉर्दर्न रीजनल कमेटी एन के तो so, कुछ इस तरह का आपका ओ टी पी आर एम एस एस सर्टिफिकेट बनकर आएगा सो so, ये आपको ज़रूर लेके जाना है अगर आप ये नहीं लेके जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में दिक्कत आ सकती है इशू क्रिएट हो सकता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो कि चेकलिस्ट डी ने रिसेंटली रिलीज़ की है व डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू दर डॉक्यूमेंट्स और एनी थिंग यू कैन पुट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स आई विल आंसर इट द यर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है चोलस तो इंस्टा का लिंक मैंशन है वहाँ जा भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो आई होप यू लाइक माई वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच